गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, वक्त आ चुका है सीबीएसई बच्चों को टेस्ट सीरीज देने का, शेपिंग फ्यूचर विक्ट्री टेस्ट सीरीज वीटीएस, मोस्ट अवेटेड वीटीएस, एक रास्ता। मैंने यहां लिख रखा है अ पाथ जो आपको आपके और हमारे सपनों तक पहुंचाएगा, जो हम दोनों को का एक ही सपना है, आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाना। विक्ट्री टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाइए, डेट शीट बन के आ गई है। आप बच्चे अगर पटना में हैं और आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देना है तो इसका फायदा जरूर से जरूर उठाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पटना के सभी बच्चों के लिए है जो सीबीएसई 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूं कि ये 17 टेस्ट देने वाला बच्चा 80 में 80 ले आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है और मेरा भरोसा है। 2008 से पढ़ा रही हूं, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जो ये टेस्ट लेती हूं इसके पीछे जो मैं दिन रात मेहनत करती हूं, अभी से अगले एक महीने तक इसका रिजल्ट मुझे दिखता है। जब आप बच्चों की मार्कशीट पर 100 आउट ऑफ 100 देखने को मिलता है। अब मैं 100 आउट ऑफ 100 की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि अब लास्ट ईयर से 80 मेरे हाथ में है, बाकी का 20 आपका स्कूल के साथ परफॉर्मेंस और रिलेशन पे डिपेंड करेगा, प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। मैं अगर आप पटना में हैं तो आपको बता दूं, आप ऑफिस से डेट शीट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं जमा करना होगा, सिर्फ आप बच्चे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं इसका एक प्रमाण देना होगा। जैसे आप जिस स्कूल में इनरोल्ड हैं उसके आईडी कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा, या आपने सीबीएसई में एडमिशन करवाया तो उसने एक डॉक्यूमेंट दिया होगा जिससे पता चले कि आप 2021 में बोर्ड देने जा रहे हैं। उसको लेकर आइए, एक फोटो लेकर आइए और ये डेट शीट ले जाइए और एग्जाम देना शुरू करिए। मैं डेट शीट कब से, वीटीएस 1 26 फरवरी से है, पहला टेस्ट 26 फरवरी को है और लास्ट टेस्ट 16 अप्रैल को है। जेई मेन फरवरी की आखिरी तारीख 26 फरवरी को है। जिन बच्चों का जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट में है वो सेकंड शिफ्ट में आप हमारे यहां आकर टेस्ट दे दीजिए। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको वीटीएस कब देना है। व्हाट्सएप किस नंबर पर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉल पर मैं नहीं मिलूंगी। अब ये 17 टेस्ट को मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है, अगर आप बच्चे नजदीक से देखें तो मैंने इसमें अवार्ड रख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड हैं और ये अवार्ड मैं देती हूं बच्चों को। पहले मैं सिलेबस की बात करती हूं, ड्यूरेशन की बात करती हूं। पॉइंट नंबर 1, ये 26 फरवरी से शुरू होकर 16 अप्रैल तक टेस्ट चलेगा। मार्च में जेई मेन जितने दिन होगा मैंने उसमें टेस्ट नहीं डाला है। होली के समय एक सप्ताह की छुट्टी की है ताकि अगर आप बच्चों को पटना से बाहर गांव जाना है आप इंजॉय करिए। होली में कोई टेस्ट नहीं लूंगी, होली वाला वीक पूरा टेस्ट नहीं लूंगी। 16 अप्रैल को लास्ट टेस्ट होगा, अंतिम टेस्ट होगा। 17 अप्रैल से मेंस शुरू है। पहले 4 टेस्ट पार्ट टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। जैसे मैं टेस्ट 1 का सिर्फ सिलेबस बताती हूं, चैप्टर 1 से चैप्टर 4, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। लेकिन टेस्ट बोर्ड पैटर्न के होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे,
टू मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सेट करने और कॉपी चेक करने में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पेपर सेट करने में 5 से 6 घंटे मेहनत करती हूँ, सॉल्यूशन बनाने में उसके 2 घंटे मेहनत करती हूँ, और कॉपी चेक करने में 10 घंटे कम से कम लगते हैं। यानी पर पेपर इतना मेहनत मैं करूंगी। डेट शीट आप ऑफिस से कलेक्ट करिए, बाकी टेस्ट के क्या सिलेबस हैं आप वहां से पता चलेंगे चल जाएगा। 4 पार्ट टेस्ट है, 5वें से लेकर 17वें तक फुल सिलेबस टेस्ट है। इस बात की श्योरिटी है कि ये 17 टेस्ट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी 17ों से आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से आने नहीं दूंगी मैं, यानी इसके पेपर को मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगी। और अगर आप पेपर देते हैं मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन तुरंत दूंगी। हमारे पटना में 2 जगह सेंटर है, कंकरबाग एंड बोरिंग रोड। आप बच्चों का जहां नजदीक पड़ता है वहां आकर टेस्ट दीजिए। हमें विजयी होना है, हमें 80 out of 80 लाना है। अगर आप ये टेस्ट देंगे दुनिया की कोई ताकत आपको फुल मार्क्स लाने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो कौन कौन से बच्चों को VTS देना है, क्या वो 26 फरवरी से टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है टेस्ट देने में, आपको कोई भी इश्यू है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।